इस दुनिया में कई प्रकार की प्रजातियां और समुदाय के लोग रहते हैं और सदियों से वो अपने चले आ रही विशेष परंपरा और संस्कृति का पालन करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अभी भी दुनिया के बाकी हिस्से से अनजान हैं और उनके रहन सहन और तौर तरीके इतने अजीब है कि आप सुनकर विश्वास नहीं कर पाओगे। आज हम आपको दक्षिण अमेरिका के एक ऐसे आदिवासी समुदाय से मिलाएंगे जहां लोग लाशों को जलाकर उनकी बची हुई राख का सूप बनाकर पीते हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी अजीबोगरीब यानोमामी समुदाय के बारे में। तो चलिए जानते हैं, यानोमामी जनजाति वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इन्हें यामन और सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। इस आदिवासी यानोमामी के समुदाय के रहन सहन और तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। ये पूरे गांव के लोग एक छत के नीचे रहते हैं जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा आंगन। इनके एक साथ रहने की इस विशेष व्यवस्था को शबोनो कहा जाता है, जहां हर एक आदिवासी समुदाय मृतकों के संबंध में अलग अलग रीति रिवाज और अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं इस यानोमामी समुदाय में अपने मरे हुए समुदाय के लोगों को खाने का रिवाज है। मांस खाने की इस अजीब परंपरा को एंडोकैनिबैलिज्म कहा जाता है। इन लोगों के अनुसार मौत स्वाभाविक नहीं है। उनके अनुसार मौत तब आती है जब कोई शत्रु किसी को शैतान का साया भेजकर मार डालता है तो वो व्यक्ति मर जाता है। शव के संबंध में इस यानोमामी समुदाय का मानना है कि शरीर को मिट्टी में मिलने में जितना समय लगेगा उस मृत व्यक्ति की आत्मा उतने दिन परेशान रहेगी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग उसके शव को केले के पत्तों से ढककर रखते हैं। जब कुछ समय बाद शरीर में केवल हड्डी रह जाती है तब ये लोग उसे जलाते हैं और फिर उसकी राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसे पदार्थ डाल लेते हैं और मरने वाले के परिजन उसे पीते हैं। ये वहाँ के अंतिम संस्कार की एक परंपरा है। इस दौरान ये लोग काफी रोते हैं और मरने वाले की याद में शोक गीत गाते हैं।